हेलो दोस्तों, अगर आप TGT, PGT, नेट, GRF और NBS सन 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए बनाया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वायरस से संबंधित रहेगा और वायरसों के बारे में जितने भी TGT, PGT संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इनको हमने इसमें शामिल किया है। तो आइए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसका वर्णन भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वायरस यानी विषाणु में पाया जाता है, केवल DNA, बी केवल RNA, सी केवल प्रोटीन, डी प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, उनमें जो है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, यानी विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन्स अर्थात न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के कण होते हैं। इनमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल DNA या RNA होता है जो इसका लगभग 6% केंद्रीय भाग बनाता है। शेष 94% भाग प्रोटीन अणुओं का बना मोटा तथा अभेद सुरक्षात्मक खोल होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो एक वायरस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ RNA होता है? तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि RNA जो होता है वो HIV जो विषाणु होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, यानी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और HIV क्या है? HIV एक रेट्रोवायरस है और जिसका जेनेटिक पदार्थ एक सूत्री RNA होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज वायरसों में जेनेटिक पदार्थ या DNA होता है या कभी कभी RNA भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, HIV। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्नियर रहेगा, मॉन्टेग्नियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो ल्यूक मॉन्टेग्नियर थे वो अमेरिका के थे और ल्यूक मॉन्टेग्नियर तथा रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम एड्स विषाणु यानी HIV की खोज की थी और बाद में इसे HIV नाम दिया। तो मॉन्टेग्नियर तथा गैलो को एड्स विषाणुओं की खोज करने का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन न तो प्राक्केंद्रक है और न ही सुकेंद्रक है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर ए प्रोकैरियोटिक नॉर एन यूकैरियोटिक। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो TMV होता है यानी टोबैको मोजैक वायरस, जो तंबाकू की पत्तियों में छितेरी रोग उत्पन्न करता है, वह न तो यूकैरियोटिक होता है और न ही प्रोकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन है, एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पादप विषाणु में ज़्यादातर जो आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है वह होता है RNA। हालांकि RNA आप सबको पता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन कुछ पादप विषाणुओं में RNA जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक पादप विषाणु में साधारणतया RNA होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए विषाणुओं की जो खोल होती है वो न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है और उसके खोल को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, वायराइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए जो वायराइड्स होते हैं वो RNA के एक सूक्ष्म रज्जुक यानी स्ट्रैंड से निर्मित होते हैं। इनमें न्यूक्लियो प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। वर्ष 1971 में टीओ डाइनर ने इन संक्रामक कारकों को क्या कहा? वायराइड्स कहा। तो वायराइड्स केवल बने होते हैं RNA अणु के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की? तो आप सबको पता है विषाणुओं की खोज का श्रेय सर्वप्रथम जाता है इवानोवस्की को। किसको? इवानोवस्की को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है। तो सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रियांश। प्रियांश सूक्ष्मतम प्रोटीन युक्त संक्रमणकारी कण होते हैं जो नग्न, और इसके अलावा कुछ वायराइड्स जैसे विषाणु, वायराइड्स को विषाणु भी बोलते हैं, वो नग्न आरएनए के संक्रमणकारी क्या होते हैं, कण होते हैं। तो सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है आपका प्रियांश। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो रानीखेत बीमारी आप हमेशा याद रखिएगा मुर्गी पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मुर्गी पालन से। यह विषाणुओं द्वारा होने वाला एक रोग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोलीफेज फाई गुड़े 174 में होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कोलीफेज फाई गुड़े 174 एक प्रकार का जीवाणु भोजी वायरस है, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस है। और आप सबको ये पता है बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया तक को खा जाते हैं। इसमें आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, वैसे तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कोलीफेज फाई गुड़े 174 में जो डीएनए होता है वह एक सूत्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक सूत्री डीएनए। अगला क्वेश्चन है, फाई गुड़े 174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या कितनी होती है। तो फाई गुड़े 174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या, बीपी मतलब बेस पेयर्स की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5386। अगला क्वेश्चन है, नग्न विषाणु है, नेकेड वायरसेज आर। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो वायराइड्स होते हैं वो आरएनए के बने हुए नग्न कण होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वायराइड्स। अगला क्वेश्चन है, T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रोन, यानी T4 जो बैक्टीरियोफेज विषाणु होते हैं वो उग सकते हैं। तो T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसे ई कोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इन द कोलन बैक्टीरियम यानी ई कोलाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर्यान का अर्थ है। तो आप सबको पता है वीर्यान क्या होते हैं, एक अक्रिय वायरस होते हैं और एक वायरस जीवित कोशिका के भीतर सजीवों के रूप में सक्रिय हो जाता है, जबकि कोशिका के बाहर यह निष्क्रिय अथवा निर्जीव के रूप में वैसे ही पड़ा रहता है। जब इसे कोई जीवित कोशिका मिलती है तब ये जिंदा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह एक मृत वायरस है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा एक निदान सूचक परीक्षण है जिसका उपयोग खाली स्थान के निदान में किया जाता है। तो आप सबको पता है एलिसा जो टेस्ट होता है वो एड्स रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। एड्स रोग की बीमारी में हम लोग एलिसा टेस्ट करवाते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड आइसोसॉर्बेंट एसे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एचआईवी विषाणुओं में सूचना का प्रवाह उल्टा होता है, अर्थात एचआईवी विषाणु में जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं वो आरएनए से डीएनए की तरफ जाती हैं। और एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि यह जो एचआईवी विषाणु होता है वह एक जटिल आवरण युक्त रेट्रोवायरस है और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, और इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के ही कारण जो है जो सूचनाओं का प्रवाह होता है वो आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन है, एक जीवाणु भोजी में होता है अर्थात ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ।
तो आप सबको पता है एक जीवाणु भोजी में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। उनकी जो खोल होती है कैप्सिड, वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल की यानी न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किया था? तो बैक्टीरियोफेज का आविष्कार फेलिक्स डी हेरेल और ट्वार्ट ने किया था। किसने? फेलिक्स डी हेरेल और एफ डब्ल्यू ट्वार्ट ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी जैसे रेट्रोविषाणुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, एचआईवी विषाणुओं में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है? तो जो रोटा वायरस होता है, रोटा वायरस, वह एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रोटा वायरस छोटे बच्चों में अतिसार का प्रमुख कारण है। यह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विषाणु है जो रियो वायरस परिवार का एक सदस्य है। लगभग 5 वर्ष की आयु तक विश्व के लगभग सभी बच्चे रोटा वायरस से कम एक बार अवश्य संक्रमित होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर इसका आकार एक पहिए की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रोटा रखा गया है, जो पहिया का लैटिन नाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है कहलाता है। तो आप सबको पता है वायरस का दो जो न्यूक्लियो प्रोटीन का कवच होता है वो क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रियांश क्या हैं? तो सबको पता है प्रियांश एक संक्रामक प्रोटीन्स के कण होते हैं। ये सूक्ष्मतम प्रोटीन अणु रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनोम में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। गायों में पागलपन का रोग मैड काउ डिजीज, मनुष्यों में हसियाकार रोग अर्थात कुरू रोग, मनुष्यों में हसी रोग अर्थात कुरू डिजीज, डिमेंशिया तथा कंपनशील लकवे अर्थात पार्किंसंस रोग प्रियांश के ही कारण होते हैं। प्रियांश आधारित रोगों पर रिसर्च के लिए वर्ष 1976 में डीसी गजडुसेक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। प्रियांश शब्द की खोज वर्ष 1982 में स्टैनले बी प्रूसिनर द्वारा की गई। प्रियांश पर रिसर्च के लिए प्रूसिनर को वर्ष 1997 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रियांश एक संक्रामक प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहाँ जाता है? तो नीली हरी शैवालों पर जो परजीवी वायरस पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? साइनोफेज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस को साइनोफेज कहा जाता है। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। स्टेनियर ने नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन है, पपीते का पर्ण कुंचन यानी लीफ कर्ल रोग होता है? तो पपीते का जो लीफ कर्ला पपाया होता है रोग होता है वह विषाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणुओं द्वारा होता है। इस रोग में पपीते की जो पत्तियां होती हैं वो गुच्छेदार हो जाती हैं तथा उनका आकार सिकुड़ कर छोटा हो जाता है।